हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे जो कि हेलोलकेन और हेलोरीन का लास्ट लेक्चर है। इसमें देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल, हेलोरीन कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ, और दो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इसमें डिस्कस होंगी, जो कि हमने बोर्ड पर लिख दिया है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन आपको पता है हर बार आती हैं बोर्ड एग्जाम में। अब बात करें, इसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, तो आज हम लोग तीनों का एक ट्रिक से डिफरेंस भी देखेंगे कि वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। बट उसके पहले हमको ये दोनों रिएक्शन पढ़नी होगी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आपको क्या करना है, क्योंकि हेलोरीन की रिएक्शन है तो सबसे पहले हमको यहां पे क्या लेना होगा, हेलोरीन। हमने ले लिया हेलोरीन क्योंकि ये रिएक्शन विद मेटल में पड़ रहा है, तो इसमें सोडियम से हम रिएक्शन कराएंगे। सोडियम हमारी क्या है, सोडियम एक हमारी मेटल है, तो हमने 2Na यहाँ पे ले लिया। ये हमारा हेलोबेंजीन हो गया, ये हमारा सोडियम मेटल हो गया। बस इसमें आपको एक पॉइंट और जोड़ना है, रिएक्शन विथ मेटल तो हम पढ़ ही रहे हैं, यानी कि ये हमारा हेलोरीन हो गया, इसकी रिएक्शन मेटल से कराए। पॉइंट नोटेड ये करना है कि यहाँ पर हमको एक क्या लेना है, CH3Cl, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको CH3Cl लेना है, जो कि हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड। बस इतनी सी रिएक्शन आपको याद रखनी है, और उपस्थिति किसकी रहेगी, ड्राई ईथर की। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जब हमने हेलो एल्केन की पढ़ी थी मेटालिक रिएक्शन, तो देखा था कि जितने भी मेटल का एडिशन होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि हेलोरीन की रिएक्शन है तो हेलोरीन लेना है, सोडियम मेटल से उसकी रिएक्शन कराएंगे, और उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन की रिएक्शन इससे कराएंगे, यानी कि जब हेलोरीन की रिएक्शन सोडियम से हो, किस और किसके साथ हो, हैलाइड, एल्किल हैलाइड हो जहाँ पर, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो ऑर्जिफिटिक होगी। क्या रिएक्शन होगी, ये जो सोडियम है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सोडियम है ये अपने साथ इस क्लोरीन को ले लेगा और इस क्लोरीन को ले लेगा। जब ये सोडियम इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को ले लेगा, यानी कि ये हमारी हेलोरीन के क्लोरीन को ले लिया और ये हेलो एल्केन के क्लोरीन को, तो हमारे पास निकला क्या, 2NaCl निकल गया। 2NaCl कैसे निकल गया, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, और उसके बाद जो बचा उसी को ऐड कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास CH3 बचा, यहाँ पे बेंजीन रिंग बनी, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम ऐसे कर दिए, ये हमारा CH3, और ये हमारा बन गया क्या, मेथिल बेंजीन। ये हमारा क्या बन गया, मेथिल बेंजीन। तो आई होप स्टूडेंट से आपको क्लियर हुआ होगा, इसको हम टॉलुइन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन। तो देखिए ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है, ध्यान से देखिए, अभी हम लोग ट्रिक इसका आपको बताएंगे कि क्या होगा। सबसे पहले हमको हेलोरीन लेनी है, उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करानी है, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद मेटल के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, और उसके साथ बस एक एडिशनल चीज याद रखनी है, हेलो एल्केन लेना है या एल्किल हैलाइड, और उसके बाद 2NaCl यहां से निकल जाएगा और जो बचा वही हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। अब बात करें फिटिंग रिएक्शन की, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेम इसी पैटर्न पे ये भी लगेगी। जितनी भी मेटालिक रिएक्शन होंगी वो हमारी सब ड्राई ईथर की उपस्थिति में ही होंगी, तो ये चीज तो आप गांठ बांध लीजिए। अब क्योंकि हेलोरीन की रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिए, हेलोरीन, हमने हेलोरीन लिया, और क्योंकि मेटालिक रिएक्शन है तो सोडियम लिया। अब यहां पे एक चीज और ऐड करनी है, यहां पे एक और मॉलिक्यूल आपको लेना है, किसका, हेलोरीन का। वहां पे अंतर क्या था, वहां पे हेलो एल्केन लेते थे, यहां पे दोनों हेलोरीन लेंगे। अब रिएक्शन आप कर लेंगे, पूछे क्यों, ये ऐसे लेकर निकल गया, ये सोडियम फिर से इस क्लोरीन और इस क्लोरीन को लेकर निकल गया, और जब ये निकला तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, 2NaCl रिलीज हो गया। सबसे पहले ये लेकर भाग गया, इसको हम लिख दें, उसके बाद ये दोनों रिंग, क्योंकि दोनों के क्लोरीन उड़ गए तो दोनों आपस में ही जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ेंगे तो कहानी क्या होगी, सुंदर सा स्ट्रक्चर देंगे। ये देखिए, ये हमारे बन गए डाई बेंजीन, इसको कहें, या हम इसी को कह सकते हैं क्या, डाई फेनिल। ये जो हमारा बना, क्या बना, डाई फेनिल। अब स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको फिर से तरीका बता दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हेलोरीन की रिएक्शन सोडियम मेटल से होगी और साथ में हेलो एल्केन होगा, और फिटिंग रिएक्शन में दोनों हेलोरीन होंगे और मेटल होगी, यानी कि यहाँ पे जो हमको लेना है वो हेलो एल्केन और हेलोरीन में से ही लेना है, बट एक हेलो एल्केन और एक हेलोरीन किस में लेना है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में, और दोनों हेलोरीन किस में लेना है, फिटिंग रिएक्शन में, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 2NaCl को निकालने के बाद जो कुछ बचेगा वो सब हमारा प्रोडक्ट में जुड़ जाएगा। यहाँ पे CH3 और बेंजीन रिंग बनी बची थी तो ये बना दिए, यहाँ पे दो बेंजीन रिंग बनी तो ये डाइफेनिल बना दिए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन
रिएक्शन क्या है और फिटिक रिएक्शन क्या है। अब आपके मन में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा, सर हमने पिछले लेक्चर में यानी कि जब हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन तो हमने पढ़ा था उड्ज रिएक्शन, तो सर क्या डिफरेंस है? नेम रिएक्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है हमको कि उड्ज रिएक्शन क्या है, उड्ज फिटिक रिएक्शन क्या है और फिटिक रिएक्शन क्या है। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम इसको रफ करके एक सुपर ट्रिक आपको बताता हूं कि रिएक्शन को देखते ही आप बता देंगे सर ये उड्ज रिएक्शन है, ये उड्ज फिटिक रिएक्शन है और ये फिटिक रिएक्शन है। तो आइए करते हैं कंटिन्यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि इन तीनों रिएक्शन जो कि उड्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और उड्ज फिटिक रिएक्शन, जो इस चैप्टर में हमको तीन सेम टाइप की रिएक्शन मिली हेलो एल्केन और हेलो रीन चैप्टर में, वो कैसे होती है और कैसे हम एग्जाम में पहचानेंगे, कैसे सर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दो मिनट खाली आप ध्यान से देखिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर। जो हमारी उड्ज रिएक्शन होती है और फिटिक रिएक्शन और उड्ज फिटिक, ये तीनों एक ही टाइप की रिएक्शन विथ मेटल से ही है। तो उड्ज रिएक्शन में क्या करना है, हमको लेना है हेलो एल्केन, तो इसको हम कहते हैं हेलो एल्केन। हमको दो हेलो एल्केन लेने हैं, इसको हम कहते हैं हेलो एल्केन। दो हेलो एल्केन की रिएक्शन हमारी सोडियम मेटल से करानी है और किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अब देखिए जहां पे उड्ज रिएक्शन हो वहां पे दोनों हेलो एल्केन हमने लिया है। क्या लिया है? दोनों हेलो एल्केन हमने लिया है। ध्यान से देखिएगा, जहां पे उड्ज रिएक्शन है दोनों हेलो एल्केन लिया है। अब होगा क्या, ये जो सोडियम है इसके दोनों हैलोजन को लेके निकल जाएगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे एक टू एन ए एक्स बनेगा। अब चाहे यहीं सीएल होता तो सीएल के केस में पढ़ते, और बचा क्या, सी एस थ्री, जो बचा उसी को ऐड कर दो, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एथेन बचा। तो आप ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को कि जहाँ पर दो हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम मेटल से हो, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर के, तो वहाँ पे आप टू एन ए एक्स निकाल दीजिए, टू एन ए सीएल निकाल दीजिए, जो बचा उसे जोड़ दीजिए, ये हमारा हो गया उड्ज रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, यहां पे दो हमारे क्या थे, यहां पे हमारे दो हेलो एल्केन थे, अब फिटिक रिएक्शन में दो हेलो एरीन रहेगी। फिटिक रिएक्शन में क्या रहेगा, हम थोड़ा सा यहां लिखें जिससे आपको क्लियर हो, फिटिक रिएक्शन में दो हेलो एरीन रहेगी, यानी कि एक हेलो एरीन ये और एक हेलो एरीन ये, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम मेटल से। अब यहां पे क्या होगा, जो हर जगह होता था वही यहां पे भी होगा, ये भी किसकी उपस्थिति में होगा, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे ये सोडियम इसको लेके निकल जाएगा, यानी कि यहां पे दो हेलो एल्केन के क्लोरीन को लेकर निकलता था, यहां पर दो हेलो एरीन के क्लोरीन को लेकर निकलेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा 2NaCl बनेगा, और जो बचा उसको जोड़ दें, तो क्या बचा हमारे पास, दो बेंजीन रिंग बची, दो बेंजीन रिंग। अब चाहे इसको लेटाते कि दिखाएं, चाहे इसको मतलब सीधा खड़ा करके दिखाएं, तो दोनों कंडीशन में ये दो बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी। तो हमको क्या ध्यान रखना है, उड्ज रिएक्शन में हेलो एल्केन दो रहेंगे, उसकी दो सोडियम मेटल से रिएक्शन करानी पड़ेगी, उसके बाद आप देखते ही समझ जाएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये इसको लेके फरार हो जाएगा। और इसके फिटिक रिएक्शन के केस में दो हेलो एरीन की रिएक्शन क्या रहेगी, दो सोडियम मेटल से, उसमें भी लेकर फरार हो जाएगा, जो बचेगा वो प्रोडक्ट। अब उड्ज फिटिक ये दोनों का मिक्सअप है, यानी कि एक ये ले लें एक ये ले लें, तो चलिए एक हम हेलो एरेन एक हम हेलो एल्केन ले ले रहे हैं, उड्ज नाम है तो हेलो एल्केन ले लिए, फिटिक नाम है तो हेलो एरीन ले लिए। अब हेलो एरीन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे, क्लोरीन ये हेलो एरीन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, या इसी को और शॉर्ट में कहें तो हेलो एरीन हमारा ये है ए आर सी एल, यानी बेंजीन रिंग पे क्लोरीन ऐड हो तो हेलो एरीन है, और यहाँ पे RCl हो तो हेलो एल्केन है, और इसकी रिएक्शन करा दिए किससे, सोडियम मेटल से। अब जैसा सब में होता था कि ये सोडियम मेटल इसके क्लोरीन को लेके भाग जाता था, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, जब इसको लेकर भागेगा तो जो साइड प्रोडक्ट होगा वो NaCl बनेगा। अब बचेगा क्या, बचेगा हमारा ARR। अब AR का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग है AR का मतलब, R का मतलब क्या है, CH3, यानी कि ये टालुइन बन गया। तो तीनों नेम रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान है, तीनों एक दूसरे से मिलती जुलती है, बस याद इतना रखना है कि जब उड्ज हो तो दोनों हेलो एल्केन, जब फिटिक हो तो दोनों हेलो एरीन, और जब दोनों हो तो एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन, और निकालना सब में NaCl ही है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। इसी के साथ हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो अब आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और जिसके कमेंट ज़्यादा आएंगे हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेलो एल्केन हेलो एरीन क्लियर हुई हो, पूरी प्ले लिस्ट को देखेंगे तो 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका, मैं बस इतना दावा कर रहा हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए सर हमको सारी चीजें क्लियर हुई, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।